हेलो फ्रेंड्स, आई एम नूपुर बंसल। आज हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक रेन एंड मार्टिन का चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ईच वर्ड इन द सेंटेंस डज सम वर्क। हर शब्द सेंटेंस में कुछ काम करता है। द कैटेगरीज इन विच वी कैन डिवाइड द वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस कैटेगरी में हम शब्द को विभाजित कर सकते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। डेफिनेशन ऑफ नाउन। द वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा शब्द जिसमें हम किसी व्यक्ति का नाम, स्थान या वस्तु का प्रयोग करते हैं वह नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, अमूल्य। इस सेंटेंस में अमूल्य एक पर्सन के नाम का काम कर रहा है। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। द वर्ड दैट इज यूज टू एड सम मोर मीनिंग टू नाउन। जिस शब्द से हमें नाउन के बारे में पता चलता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल, लिटिल। यहाँ पर लिटिल शब्द अमूल्य के बारे में बताता है। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। द वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा शब्द जो नाउन की जगह यूज होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, यू। डेफिनेशन ऑफ वर्ब। द वर्ड दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, इवेंट और स्टेट। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना, किसी की गतिविधि या स्थिति का पता चले वो वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल, वेंट। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। द वर्ड दैट इज यूज टू एड सम मोर मीनिंग टू वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो शब्द एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल, स्लोली। यहाँ पर स्लोली शब्द वेंट के बारे में बताता है। डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। द वर्ड दैट इज यूज टू रिलेट नाउन और प्रोनाउन टू अदर नाउन्स, प्रोनाउन और वर्ड्स। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से संबंध बताता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल, टू। यहाँ पर टू वेंट और स्कूल का संबंध बताता है। डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन। द वर्ड दैट इज यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, एंड। यहाँ पर एंड अमूल्य और यू को जोड़ रहा है। डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन। द वर्ड दैट इज यूज टू एड स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग। जो शब्द अचानक उठी भावना को बताता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल, आह। इस शब्द के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। आइए इनको एक साथ देखते हैं। नाउन, जो व्यक्ति वस्तु होता है। एडजेक्टिव, जो नाउन के बारे में बताता है। प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज होता है। वर्ब, जो काम या स्थिति होता है। एडवर्ब, जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन, जो नाउन का दूसरे शब्द से संबंध बताता है। कंजक्शन, जो शब्द शब्दों के समूह को जोड़ता है। इंटरजेक्शन, जो अचानक उठी भावनाओं को दर्शाता है। कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। हर शब्द को अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में बांटा जाता है। एक शब्द अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में आ सकता है जब उसको दूसरे सेंटेंस में अलग तरीके से यूज किया गया हो। एक शब्द किस कैटेगरी में जाए वह उस शब्द के प्रयोग पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, हम इन पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में आने वाली वीडियोस में समझेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो पे कमेंट के द्वारा शेयर करें। अगर आपको रेन एंड मार्टिन की बुक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे।